हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल बैकू, आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान प्रजापति जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग श्रीराम लाइफ के अशोर्ड इनकम प्लान को समझना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अलर्ट्स आपको उचित समय पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ प्रो प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है। इस प्लान में हमें 6 डिफरेंट फंड्स के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि प्लान लेते वक्त इन्हीं 6 डिफरेंट फंड में से हम एक फंड ऑप्शन को चुन लेते हैं और प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करना चालू करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, जिसपे जोखिम हमारा होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है तो सभी यूनिट का जो फंड वैल्यू यानी कि जो मार्केट वैल्यू होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो हमें दे दिया जाता है और प्लान क्लोज हो जाता है। अब यूलिप प्लान है तो पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा जीवन बीमा भी रहता है, जिसे हम लाइफ कवर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ प्रो प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें कुछ चार्ज जो लगते हैं वो आपको वापस भी मिल जाते हैं। उनमें से एक है रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये कब मिलना चालू होता है? साफ यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ 10th पॉलिसी ईयर। अगर जो आपका सालाना प्रीमियम है वो 30,000 रुपए से कम है तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए का है या उससे ज्यादा है तो जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको लगा है वो वापस हो जाता है एट द एंड ऑफ 10th ईयर। एट द एंड ऑफ 15th ईयर जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, अगर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए से कम का है तो उसका 50% मिलता है। फिर अगले 5 साल के बाद यानी कि एट द एंड ऑफ 20th ईयर फिर से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का जो 50% है वो भी वापस मिल जाता है। इन टोटेलिटी में सीधे तौर पे कहा जाए जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हमने पे किए होते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं। किस तरीके से मिलते हैं हमें यहाँ पे बताया गया है कि 10वें साल पे तो जितना भी 10 साल तक लगा है वो मिल जाएगा, उसके बाद हर 5-5 साल पे मिलता रहेगा जितना भी चार्ज लगा हुआ है। प्लान में वेल्थ बूस्टर का बेनिफिट मिलता है जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत से हमें मिलना चालू होता है। किस तरीके से मिलता है वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ पॉलिसी 10th ईयर अगर प्रीमियम 30,000 रुपए से कम है तो हमारा जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1% हमें मिल जाएगा। अगर प्रीमियम 30,000 रुपए का है सालाना उससे ज्यादा तो भी 1% ही मिलेगा। 15वें साल के अंत में अगर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए से कम है तो जो फंड वैल्यू होगा उस टाइम उसका 1% मिल जाएगा वेल्थ बूस्टर, और अगर प्रीमियम 30,000 रुपए का उससे ज्यादा है तो 2% की दर से हमें वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा एवरेज फंड वैल्यू का। वहीं 20वें साल, 25वें साल और 30वें साल पर जो हमें वेल्थ बूस्टर मिल रहा है उसका रेशो सेम ही रखा गया है। अगर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए से कम है तो उस टाइम पे जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1.5% मिल जाएगा। अगर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए का या उससे ज्यादा है तो एवरेज फंड वैल्यू का 30% हमें वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम मिला हमें पॉलिसी के 10वें साल के अंत में, उसके बाद हर 5 साल के अंतराल पे हमें वेल्थ बूस्टर मिलता रहा। इसी तरीके से अगर 30 साल तक का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 30वें साल के अंत में भी अगर प्रीमियम 30,000 रुपए से कम है तो 1.5%, उससे ज्यादा या 30,000 रुपए का 3% मिल जाएगा। इसी के साथ आप प्लान में पॉलिसी टर्म को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं प्लान लेने के बाद। इसी तरीके से आप प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म को भी घटा बढ़ा सकते हैं, वहीं आप अपने प्रीमियम को भी रिड्यूस कर सकते हैं जितना ओरिजिनल प्रीमियम आप पे कर रहे हैं सालाना उसका 50% तक। लेकिन कब? जब पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो जाए या कि लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ आप प्लान में सम मचोर को भी घटा बढ़ा सकते हैं जो लिमिट है उसके अनुसार। इसी के साथ एक फंड से दूसरे फंड में आप स्विच भी कर सकते हैं और इसमें आपको प्रीमियम रिडायरेक्शन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप एक से ज्यादा फंड चुनना चाहते हैं तो ऐसे में आप प्रीमियम रिडायरेक्शन भी कर पाएंगे इन बिटवीन द पॉलिसी टर्म। पार्शल विड्रॉल का फैसिलिटी भी मिल जाता है। कंडीशन सिंपल है कि पॉलिसी का जो लॉकिंग पीरियड है पहले 5 साल वो भी कंप्लीट हो और बीमा धारक की आयु 18 साल की तो होनी ही चाहिए। इन्हें पॉलिसी ईयर यानी कि जो 1 साल का पॉलिसी ईयर है पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद, उसमें आप अपने फंड वैल्यू का 20% तक ही पार्शल विड्रॉल कर सकते हैं और पार्शल विड्रॉल करने के बाद जितना भी प्रीमियम आपने पे किया ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म उसका 25% तो फंड बैलेंस रहना ही चाहिए। केवल एक पार्शल विड्रॉल ही एक पॉलिसी साल के अंदर
फ्री है, उसके बाद हर एक पार्सल विड्रॉल पर 250 रुपए का चार्ज लग जाएगा, यानी कि एक साल में एक बार पार्सल विड्रॉल करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद लग जाएगा। यूलिप प्लान है तो हमें पता है कि मैच्योरिटी पे हमें फंड वैल्यू ही मिलना है, जिसे हम एक साल से लेकर के 5 साल तक के सेटलमेंट पीरियड में यानी कि किस्तों में भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब डेथ बेनिफिट के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि सम अश्योर्ड के साथ में अगर आपने कोई टॉप अप प्रीमियम पे किया है, टॉप अप प्रीमियम का 1.25 गुना होता है टॉप अप सम अश्योर्ड, उसका कंपैरिजन किया जाता है फंड वैल्यू प्लस टॉप अप प्रीमियम का जो फंड वैल्यू होगा, वो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा, नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। तो ये हो गया डेथ बेनिफिट ऑप्शन नंबर 1, जो कि आप प्लान लेते वक्त ही चुन लेते हैं। प्लान कहता है कि मिनिमम जो डेथ बेनिफिट है वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% से तो कम होगा ही नहीं। दूसरा जो डेथ बेनिफिट का ऑप्शन है वो कहता है कि सम अश्योर्ड में से आप पार्सल विड्रॉल घटा दीजिए, कौन सा पार्सल विड्रॉल, टिल द डेट ऑफ डेथ तक के पहले के जो 2 साल हैं, या कहें कि लास्ट जो 2 ईयर्स है उनमें जितना पार्सल विड्रॉल किया गया उसको सम अश्योर्ड में से घटा दिया जाएगा, उसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में। अगर टॉप अप प्रीमियम पे किया गया है तो टॉप अप सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाएगा टॉप अप प्रीमियम के फंड वैल्यू के साथ में, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो जोड़ दिया जाएगा किसमें, सम अश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल माइनस करके उसका कंपैरिजन करेंगे बेस प्रीमियम के फंड वैल्यू के साथ, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा टोटल सम जो होगा डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, यानी कि डेथ बेनिफिट पे करते ही पॉलिसी क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे बात आती है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ प्रो प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि प्लान कौन कौन ले सकता है। तो एंट्री एज लिमिट है 30 दिन से लेकर के 65 साल तक, यानी कि अगर आपका बच्चा 30 दिन का हो चुका है तो उसके नाम से भी आप ये प्लान ले सकते हो, माइट बी राइट। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर 75 साल तक का है, मैं ओवरऑल आपको बता के चल रहा हूँ, पार्ट्स में नहीं, राइट। पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन है वो 10 साल से लेकर 30 साल तक का मिल जाता है। बात आती है पीपी टर्म यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म की, वो है रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। फिर आता है लिमिटेड पे जिसमें 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है ओवरऑल दोनों ही ऑप्शन के साथ। बात आती है सम अश्योर्ड के लिमिट की, तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना ले सकते हैं या मैक्सिमम सालाना प्रीमियम का 10 गुना ले सकते हैं। सालाना प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर लेते हैं तो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना 12,000 रुपए का है, छमाई 6,000 रुपए का है, तिमाही 3,000 रुपए का, मासिक है 1,000 रुपए का। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो ऑटो डेबिट मोड पे ही ये मंथली मोड मिल पाता है, ठीक है जी। अब बात आती है श्रीराम लाइफ वेल्थ प्रो प्लान के चार्जेस की डिटेल। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चार्ज है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर आप टॉप अप प्रीमियम पे करेंगे, जब भी आप टॉप अप प्रीमियम पे करेंगे उसका 2% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होगा। इसके अलावा रेगुलर प्रीमियम पे पहले साल आपके प्रीमियम का 12% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा, दूसरे से पांचवें साल तक आपके प्रीमियम का सालाना प्रीमियम का 4% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा, छठे साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको नहीं लगता है इस प्लान के अंदर, ठीक है जी। बात आती है नेक्स्ट चार्ज की, तो वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि हमें क्लियरली बताया गया है कि ये पॉलिसी के 10 साल ही आपको लगता है। पहले 5 साल अगर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए से कम है तो आपके सालाना बेस प्रीमियम का 0.10% हर महीने लगता रहेगा। अगर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए का है या उससे ज्यादा है तो भी 0.10% ही हर महीने लगता रहेगा सालाना प्रीमियम का। पॉलिसी के छठे साल से लेकर 10वें साल तक हर महीने जो प्रीमियम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा वो 0.36% लगेगा अगर प्रीमियम 30,000 रुपए से कम है। अगर प्रीमियम 30,000 रुपए का है उससे ज्यादा है तो हर महीने सालाना बेस प्रीमियम का 0.29% लग जाएगा। पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग जाता है 1,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए के बीच में, डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम आप सालाना पे कर रहे हैं और किस साल में आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया है। फंड स्विचिंग चार्ज नहीं है, प्रीमियम रिडायरेक्शन चार्ज भी आपको नहीं देना होता है। बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, तो पहला है प्री सर्वर फंड, जो कि जनवरी 2010 को कंपनी लेकर के आई, तो 2010 से लेके अब तक जो इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 6.93% रहा। इस फंड पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो सालाना फंड वैल्यू का 125% लगेगा। गलत लिखा है यहाँ पे, ये 1.25% होगा, राइट, ये मिसप्रिंट हो गया इनके पॉलिसी ब्रोशर में। 1.25% लगेगा, डेप्ट कैटेगरी का फंड है। फिर आता डिफेंडर, ये भी जनवरी 2010 में कंपनी लेकर आई, ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न जो इसका रहा 2024 तक वो 8.12% रहा। हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है, यानी कि ज्यादा हाई रिस्क यहाँ पे नहीं होगा। जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो सालाना फंड वैल्यू का 1.25% लगेगा। फिर है बैलेंसर फंड, ये भी हाइब्रिड फंड है, ये भी जनवरी 2010 को ही कंपनी लेकर के आई, इसका जो अब तक रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 8.5
1% रहा, मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बता रहा हूँ। फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा यहाँ पे 1.35%, राइट। फिर है मैक्सिमस फंड, जो कि जुलाई 2006 को कंपनी लेकर के आई, 2006 से लेकर 2024 तक जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 9.58% रहा। फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना। फिर है एक्सेलरेटर फंड, जो कि मार्च 2007 को कंपनी लेकर के आई, 2007 से लेकर 2024 तक जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 9.23% रहा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना रहा। फिर है टाइसीर फंड, या आप इसे टाइसीर फंड भी कह सकते हो, जो कि सितंबर 2009 में कंपनी लेकर आई, जिसका 2009 से लेकर 2024 मई एंड तक जो रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 11.48% रहा। फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% लगेगा सालाना। इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड यहाँ पे हो सकता है। फिर आता आपका डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड, जो कि नवंबर 2011 में कंपनी लेकर के आई, जिसका रेट ऑफ रिटर्न रहा 6.32%। डेप्ट ओरिएंटेड फंड है, एवरेज जो सालाना फंड वैल्यू होगी उसका 0.50% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। यही वो फंड होता है जब आप प्रीमियम पे करना बंद करते हो तो इसी फंड में सारी यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान लो आपने फंड ऑप्शन ले लिया टाइसीर, या कहें कि टाइसी, राइट, जो कि सितंबर 2009 में आया, 2009 से लेके मई एंड 2024 तक 11.48% का एवरेज इसने रिटर्न दिया। मंथली आप 5,000 रुपए इसमें पे करते हो 10 साल के लिए, और 8% का रेट ऑफ रिटर्न आप मान के चल रहे हो। सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 6,00,000 रुपए का सम अचॉर्ड आपने ले लिया, तो देखिए यहाँ पे अगर चार्जेस को डिडक्ट कर दें तो अप टू 8% तक कम रेट ऑफ रिटर्न मान के चल सकते हैं, मिलेगा हम ये नहीं कह सकते। तो एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी यहाँ पे 9,14,730 रुपए का माइट भी बैठ सकता है, एक रफ आइडिया है, ठीक है। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। यूनिट प्लान इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना प्लान ना ले। जानकारी क्लियर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत आभार।